बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी गेल IOCL के द्वारा देश के विभिन्न भागों में डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन लगाया जा रहा है, जिसके द्वारा गैस सीधे आपके घर में पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए इसमें जो सामान लगते हैं या इक्विपमेंट लगते हैं, इसके गैस पाइपलाइन लगाने में क्या क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, इनका ग्राफ कैसे बनता है, इनके आइसोमेट्रिक ग्राफ बन और इसमें क्या क्या काम होते हैं, ये सारी जानकारी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी। देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा लगे, आपको कुछ भी पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मेजरमेंट। ये गैस पाइपलाइन में ये मेजरमेंट टेप का सबसे बड़ा योगदान। आप कितना पाइप लेते हैं या फिर कितना काम करते हैं, ये मेजरमेंट टेप के द्वारा किया जाता है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अब देखते हैं गैस पाइपलाइन में बेसिकली किस पाइप का यूज किया जाता है। GI पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयोनाइज्ड पाइप इसे कहा जाता है। ये 1/2 डाया और 3/4, ये अलग अलग तरह के पाइप्स होते हैं। अब चलिए ये क्लैंप हुआ। ये क्लैंप में ऐसा होता है, ये भी क्लैंप और ये क्लैंप। इस क्लैंप को कहते हैं 2 इंची। ये जो आप देख रहे हैं डेप्थ, ये 2 इंची 1/2, ये डेप्थ 1 इंची 1/2 और आपका ये 1 इंची 3/4। 3/4 के पाइप में इस क्लैंप का यूज किया जाता है और 1/2 के पाइप में इस क्लैंप का यूज किया जाता है। ये अब आपको इसके बारे में बताते हैं, ये टेफ्लॉन टेप है। जब हम ये पाइप को किसी चीज से कनेक्ट करते हैं एल्बो में या कहीं भी, और जब इसको पाइप वाइस के द्वारा पाइप वाइस में इसमें ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप बनाने के बाद उसके ऊपर ये सब काम किया जाता है, इसको लपेट दिया जाता है, जिससे कि लीकेज विकेज की संभावना ना रहे। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं जी, इस इक्विपमेंट का नाम है रिड्यूसर एल्बो। ये 1/2 को 3/4 में या 3/4 को 1/2 में कन्वर्ट करता है। ये रिड्यूसर सॉकेट, यह सॉकेट 1/2 से 3/4 का है। इसके द्वारा हम 1/2 से 3/4, 3/4 से 1/2 को बदल सकते हैं। ये यूनियन है, ये एल्बो, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ये एल्बो जहाँ भी कहीं बेंडिंग होता है तो वहाँ 1/2 में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे कहते हैं मेल फीमेल, मेल फीमेल। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैकेनिकल के क्षेत्र में ये भी होते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली इसका भी प्रयोग बेंड करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा पाइप को मोड़ दिया जाता है। अगर आपका सीधा पाइप फेड थोड़ा सा बेंड करके ऊपर जाता है तो उसके जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ये हेक्स निप्पल है, ये बेसिकली दो पाइप को एक साथ कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सॉकेट, अगर आप दो पाइप है उनको कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। सॉकेट के द्वारा इसके अंदर और इधर से एक पाइप दोनों को सॉकेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है और उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ये रिड्यूसर हेक्स निप्पल रिड्यूसर हेक्स निप्पल 1/2 से 3/4। इसे तो आप सभी जानते होंगे, इसका नाम टी है। जहां कहीं भी दो कनेक्शन हो, एक इधर से पाइप आते हैं, एक इधर से पाइप, और तीसरा पाइप इधर से निकालना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। टी 3/4 सॉकेट, मेल फीमेल 3/4, ये 1/2 मेल फीमेल और ये
3/4। अब आते हैं, ये हमारा एवी है। ये एवी का उपयोग किचन में जहां पे वो पाइप लगेगा वहां इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा आईवी है, ये रेगुलेटर के ऊपर और किचन में दोनों जगह इसका प्रयोग किया जाता है। मीटर के ऊपर जहां पे खत्म होता है वहां आईवी लगाया जाता है और रेगुलेटर के ऊपर भी आईवी का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ये वाल्व, इस वाल्व के द्वारा गैस के कनेक्शन को कभी भी रोका या शुरू किया जाता है। ये हुआ आपका रेगुलेटर। रेगुलेटर में रेगुलेटर नंबर होते हैं। ये घर के बाहर जहां से नीचे पाइप लाइन आती है और रेगुलेटर के नीचे टीएफ छोड़ा जाता है, पाइप उससे कनेक्ट होता है। इसके ऊपर ये लगा रहता है और इसमें पाइप नीचे से लगा रहता है और ऊपर से इसके द्वारा कनेक्ट होके ऊपर जाता है। ये इस तरह से लगा रहता है, जाता है। ये हमारा मीटर है। आपने देखा होगा कि गेल और आईओसीएल के द्वारा जो मीटर लगाया जा रहा था, ये स्मार्ट मीटर यही लगाया जाता है। मीटर आपका किचन के नजदीक रखा जाता है और ये मीटर क्लैंप, इसके द्वारा मीटर को कसा जाता है। ये पाइप रिंच, पाइप रिंच के द्वारा पाइप को कसने के लिए या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे तो आप सभी जानते होंगे। ये हमारा इंड कैप है। नीचे जो पाइप का काम घर में, घरेलू डोमेस्टिक में कर दिया जाता है, तो फिर जब तक रोड के नीचे पाइपलाइन नहीं बिछाई जाती है एमडीपी, तब तक वो खुला जो रहता है उसको बंद करने के लिए कि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कोई अंदर घुस के ब्लॉकेज ना कर दे, इससे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसको बंद कर दिया जाता है। ये हमारा रेड चेक है। इसके द्वारा इस पाइप में ग्रूविंग की जाती है। ग्रूविंग के द्वारा वो जो चूड़ी बनाना कहते हैं, तो चूड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ये, इसको गुटका कहते हैं। ये 1/2 के लिए अलग, 3/4 के लिए अलग होते हैं। इसको इसमें सेट करके और पाइप भाइस में इसके द्वारा ग्रूविंग करके बनाया जाता है। इसका नाम है एनाकोंडा। इसको फ्लेक्सी भी करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसे फ्लेक्सी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग एक तरफ यहाँ पे पाइप लगे रहते हैं, इसका प्रयोग यहाँ पे एक तरफ पाइप लगे रहते हैं और दूसरे तरफ इसे एनाकोंडा का प्रयोग करके पाइप के द्वारा किचन में गैस को पहुंचाया जाता है। ये पाइप कटर का उपयोग पाइप को काटने के लिए जाता है। इसके अलावा भी ड्रिल मशीन और बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए मैक बाबा यूट्यूब चैनल। आपके लिए उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छे वीडियो लाएं।